शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चल पिता के घर से पति के घर तक नियति एक उड़ता पल रस्मों के दीवारों दर तक जाते जाते कितने युगों को जी लेती है नियति बेटी हो के पराई छोड़ के बाबुल की अंगनाई बंध जाती है कई रिश्तों में जीने लगती है किश्तों में मायके से ससुराल में जाना दोनों कुल की लाज निभाना नियति सुबह सुबह तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं कभी तो दिन की पहली न्यूज चैन से दिखा दिया करो टीवी रानी टीवी रानी आया 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 बेटा बस 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 हाँ बस हिलो मत नमस्कार आज के मुख्य समाचार कल विपक्ष के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और लगातार तीसरे दिन भी शेयर मार्केट में गिरावट के कारण कारोबारियों की हालत पस्त एक भी खबर किसी काम की नहीं अरे शेयर का दाम गिरे या उठे उससे हमें क्या जिस गली में हमें जाना नहीं उसके बारे में सोचकर हमें क्या करना अब राजधानी में औरतें और भी ज्यादा असुरक्षित फिर चला गया ए ए बेजू ए बेजू बेटा प्लीज आज तो हद कर दिए सिग्नल खबरदार जो दोबारा चाय गर्म करने के लिए कहा आपको कुछ पता भी है गैस सिलेंडर का भाव कहां से कहां पहुंच गया है ये मैं ही जानती हूं कि मैं 7,000 में घर कैसे चलाती हूं अब दोबारा चाय गर्म नहीं होगी जरूरत ही नहीं है सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग ही इतना गर्म रहता है कि चाय तो खुद ब खुद गर्म हो जाती है देखो आनंद आ गया अरे ऐसे ही तुम्हें इस घर की अन्नपूर्णा थोड़ी कहता हूं मैं ठंडी चाय पीना आपको पसंद है लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते अरे अगर मैं अपनी आदत से बाज आ गया तो फिर ये सुबह सुबह किसी की मीठी मीठी बातें सुनने को कैसे मिलेंगी छोड़ो ये सब जाके नहा लो पानी ठंडा हो जाएगा क्योंकि अगर पानी ठंडा हो गया ना तो फिर से मैं दोबारा गर्म करने वाली नहीं समझ में आई बात खाइए मेरी सब्जी मेरी न्यूज बेजू बोला जरा दीदी को हिलाने को अरे मुझसे बोलना बेटा इशारे से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है अंकल जी आपके चक्कर में ना मेरे को देरी हो रही है मैं जा रहा हूँ बाय 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 अरे बेजू सुन टीवी के साथ साथ ना बेजू भी बिगड़ गया हैं तू नीचे क्यों आ गई वो एंटीना कौन ठीक करेगा कोई भी करे पापा ओबामा या ओसामा लेकिन मैं ठीक नहीं करने वाली वो मुझसे ठीक नहीं होगा बेटा एक बार और ट्राई कर लेना प्लीज पर कितनी बार पापा एक बार बेटा बस एक बार मेरी रानी बेटी मेरी अच्छी बच्ची देख इस बार भी ठीक नहीं हुआ ना तो फिर एक बार पापा आपको पता बाहर कितनी ठंड है वो एंटीना हिला हिला कर मेरे हाथ अकड़ जाते हैं अब इस फटीचर टीवी को ना आप फेंक ही दो इससे अच्छा ना तो घर में टीवी ना हो चुप कर नालायक क्या कह रही है तू अपने पापा से हाँ क्या फेंकने को कह रही है
तुझे पता है? अरे तेरी माँ की डोली से पहले ये टीवी का बक्सा आया था यहाँ। तभी तो दिन भर उसी की आरती उतारते रहते हैं। जैसे ये टीवी ना हो गई, मेरी सौत हो गई। अब ये तू खीकी खीकी करना बंद कर और जा जाके नहा, जाके पानी ठंडा हो रहा है, चल। अरे ए, सुन 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 बेटा, पहले नहाने मुझे जाने दे। पापा, मैं जा रही। अरे बेटा तू समझती नहीं है, तो तेरी माँ है ना। अंकल जी, आपकी चिट्ठी। ये कौन सा टाइम है चिट्ठी आने का? ये आज की चिट्ठी नहीं अंकल, वो तो कल पोस्टमैन हमारे घर गलती से छोड़ गया था और मम्मी आपको देना भूल गई थी। अच्छा अच्छा, और अब मैं चलता हूँ, वरना फिर से आपका एंटीना ठीक करने बोलो। चलता हूँ। देखा? अरे इस पर तो सरकारी मोहर लगी है बेटा, जरा देख तो कहां से आया। अरे वाह, अब तो मजे 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 मजे। क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या लिखा है इसमें बता दूं? हाँ बता ना। टीवी ने जो पीडब्ल्यूडी का एग्जाम दिया था ना, वो उसने पास हो गई है। है? सच्ची? और आज उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना है, वो भी 9 बजे। क्या 9 बजे? लेकिन 7:30 तो बज भी गए। तू एक काम कर, तू जल्दी से नियति को जाके बुला, देर मत कर, जाओ जल्दी चल। अरे बेटा भाग के जा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भारती, आखिर भगवान ने तुम्हारी सुनी ली। ठीक तो है ना? घर पर वो, अरे मैं भी पागल हूँ, ये ले, ये जल्दी पढ़। अरे अन्नी, मैं रिटर्न में पास हो गई। हाँ, अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गई तो मेरी जॉब लग जाएगी। हाँ पापा, लेकिन पहले तो इंटरव्यू पे टाइम पे तो पहुँच। देख, तेरा इंटरव्यू 9 बजे है। 9 बजे? बाप रे, चल चल चल। अरे ये क्या, अभी तक नहाने नहीं गए? ओ, आज टीवी में न्यूज देखने को नहीं मिला तो अखबार को ही 2-2 बार पढ़ के दम लोगे? शर्मा जी, आपके 2-2 बार अखबार पढ़ने से खबर बदल तो नहीं जाएगी ना? कितना मीठा बोलती हो। भारत कोकिला चाहे जो भी हो, मेरी नागपुर कोकिला तो तुम ही हो। अच्छा, तभी तो मुझे विविध भारती कह के बुलाते हो, है ना? अरे वो तो प्यार से। अच्छा, अरे अगर मेरे माँ बाप को पता होता ना कि तुम मुझे शादी के बाद विविध भारती कह के चिढ़ाओगे, तो वो मेरा नाम कभी भी भारती नहीं रखते। हाँ, अब नाम में क्या रखा है मेरी विविध भारती? अच्छा, मैं अगर तुम्हें अरविंद शर्मा की जगह अमरूद बुलाऊं तो? तुम बुलाओ तो सही। लो आ गई। अरे बेटा तू आ गई, चल जाके जल्दी से तैयार हो जा। ओह गॉड, अभी तो मुझे फाइल भी रेडी करनी है, इतने कम टाइम में क्या क्या करूंगी। जल्दी कर बेटा।
ये सारे जेरॉक्स रख ले और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी सर्टिफिकेट रख लेना। अच्छा सुन, बिना कुछ खाए जाना मत कर। अरे मैं नाश्ता किए बिना थोड़ी ना जाने दूंगी। अच्छा सुन, तू ये भी रख। पापा मैं इतने पैसों को क्या करूंगी? अरे ठार से ऑटो में जा इंटरव्यू देने। अरे नियति बेटा ये देख, ये तू पहन, इसमें तू बहुत सुंदर लगेगी। मम्मी, दीदी इंटरव्यू देने जा रही है, किसी लड़के को देखने नहीं जा रही है। जो आप उसे ये पहनने को दे रही हो, तू रुक, तुझे मैं देती हूँ। ये ले, तू ना आज यही पहन के जाना। ये अब मेरा से सूट दे रही है थे? अरे नहीं तू ठहर। और ये नहीं आती, ये अच्छा है ना? छी, इतना गाउटी सूट। नहीं नहीं, वो गांव के मेले में नहीं जा रही है, तू ये पहनेगी। हाँ पता है, मगर ये एक मिनट। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो। आप लोगों के इतने सारे सुझाव सुनने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप लोग यहाँ से जाओ। जाओ ना जल्दी। तू जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के जाओ। जी चलो भी तैयार हो। हे गणेश जी, पूरे एक साल से मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ, एक भी मंगलवार नहीं छोड़ा मैंने। अब उसका फल देने का वक्त आ गया है भगवान। मेरी नियति की नौकरी लगवा दीजिए, मैं पूरे 21 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगी। नाश्ता तैयार है माँ? बहुत देर हो रही है। बस एक मिनट। अपने सिलबट्टे को लेकर बैठ गई? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ी सी चटनी तो पीस रही हूँ। वो क्या है ना कि तुझे पूड़ी और सब्जी के साथ चटनी अच्छी लगती है ना? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जरा सी चटनी के पीछे आपके हाथों में जो रात रात भर जलन होती है उसका क्या? अच्छा तो तुझे मेरे हाथों की इतनी फिक्र है ना? अगर इतनी फिक्र है तो अपने बाप से कहना कि मिक्सी दिला दे मुझे। अरे कई साल से बोल बोल के थक गई हूँ मैं। बावली नहीं हो गई हूँ मैं जो? अरे सुन तो, आप दोनों के बीच में मैं बोलने वाली हूँ। क्या 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 बोली तेरी माँ कि मैं इसे मिक्सी लेकर नहीं दे रहा है? अरे जरा पूछ इससे। अरे बेटा पिछले तमाम सालों में कम से कम 100 बार इसे मार्केट ले गया हूँ, वहाँ तो मिक्सी का दाम देखते ही इन्हें अपने ही सिलबट्टे पर पिसी चटनी और मसाले बेहतर लगने लगते हैं। हाँ हाँ, जैसे सारी गलती तो मेरी ही है। अन्नी फाइल ला जल्दी। हाँ हाँ लाई। हाजिर है मैडम। हाँ हाँ मैडम। हाँ तुझे हो क्या गया है? अरे जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब सब तुझे मैडम कह के बुलाएंगे, इसलिए मैं पहले से ट्राई कर रही हूँ। कैसा लगता है? पागल हो गई है। चल हट, तू हट। अरे बेटा नियति तू बैठ। हे गणपति पापा सब अच्छा करना। पापा मुझे जाना है। आ, ये ले बेटा। बहुत जरूरी है मम्मी, आशीर्वाद दो। हाँ बेटा भगवान तुझे कामयाबी दे। पापा ठीक है बेटा ठीक है। बाय 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 बेटा बाय। अरे नियति नियति रुक 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 बेटा रुक। सुन 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 सुन, ये बाबा जी की बबूत है, अपने साथ अपने पर्स में रख ले, इंटरव्यू देने से पहले इसे अपने माथे पे जरूर लगा लेना। बाय 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 बाय। अरे सुन सुन बेटा, सुन बेटा जाते समय टेकड़ी गणेश जी पर माथा जरूर टेक लेना। ओके बाय 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 बाय। थैंक यू बाय। संभल के जाना बेटा। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, डोंडिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा। भैया पीडब्ल्यूडी चलोगे? अरे भैया रुको तो सही। अरे ऑटो रुको रुको रुको, ऑटो ऑटो ऑटो। दिखाई नहीं देता है क्या? समझते क्या अपने आपको? बाइक चला रहे क्या? वाइजर उड़ा रहे हो? मेरी चुन्नी
देखिए आप रोइए मत, जरा सी चुन्नी ही तो गंदी हुई है, धुल जाएगी। मुझे तो चोट भी लगी है, देखिए देखिए, सब लोग इधर ही देख रहे हैं, मेरी खामखा धुलाई हो जाएगी, सब सोचेंगे कि मैंने आपको कुछ। अरे कुछ क्या, आपने तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इंटरव्यू के लिए पहले ही मुझे देर हो रही थी और ऊपर से चुन्नी भी खराब कर दी, रिक्शा चला गया मेरा आपकी वजह से। आई एम सो सॉरी। देखिए जो हो गया सो हो गया, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको बाइक से छोड़ देता हूँ। अच्छा, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अरे रुको रुको रुको, अभी तो तुम छोड़ने वाले थे ना। लेकिन आपने हाँ नहीं कहा ना, तो मुझे लगा। लेकिन एक बार तो सोचना पड़ता है ना, ऐसे ही तो किसी के साथ बाइक पर नहीं बैठ सकती ना। आपको इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। विश्वास किया। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। देखो तुम पास आने की कोशिश मत करना, और हाथ लगाए तो मुझे कराटे आता है। मुझे डराने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही आपसे बहुत डर रहा हूँ। बाइक में रिजर्व लग गया था, इसीलिए बंद हो गई। चले ये आ गया आपका PWD ऑफिस। कमाल लड़की है यार, ना थैंक यू ना शुक्रिया। एनीवेज एक मिनट होल्ड करो। यस जी, आज वो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। नियति शर्मा जी। ओके, वहां बैठकर आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। थैंक यू। मिस शर्मा जी, आपको केबिन में बुलाया है। जी मे आई कम इन। कम इन, आइए बैठिए, हैव अ सीट। आप
थैंक यू। मिस नियति, हम आपको सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, आप इस जॉब के लिए चुन ली गई हैं। Really? Yes. Congratulations. अब बाहर जाकर मिस्टर दुबे जी से मिलिए, वो आपको आगे की फॉर्मेलिटी समझाएंगे। जी। Excuse me. एक फोन कर लो। ठीक है। Thank you. Hello. पापा? नियति बेटा, हाँ, तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? आपके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई। मैडम फोन रखिए। पापा, मैं बाकी बातें घर पे आकर करती हूँ। ओके बेटा, ओके। अरे, अब कुछ बताओगे भी? बताइए ना दीदी ने क्या कहा? क्या हुआ उसके इंटरव्यू का? शर्मा जी, पहले आप मन का मोदक खाना बंद कीजिए। अरे भाई, आपकी बिटिया को नौकरी मिल गई। हाँ, मिल गई? सच्ची? ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं भी जाकर, मोदक का सामान तो है ही नहीं घर में, मैं मीठा पोहा बना दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। अच्छा सुनो तो भारती, हाँ? तुमने देखा, हमारी नन्ही सी नियति ने एक प्राइवेट कंपनी में कच्ची नौकरी करने वाले अपने पापा का रुतबा एक ही पल में कितना बढ़ा दिया, नहीं? हाँ। भारती भाभी, भारती भाभी, मैं चार साड़ियाँ और लाई हूँ आपके लिए, कल तक सबकी फॉल बिल्डिंग हो जाएगी ना? हाँ, मैं कोशिश करूंगी। माफ कीजिएगा कामिनी भाभी, लेकिन भारती अब ये काम नहीं करेगी। ऐसा करने की उसे जरूरत नहीं है। समझ गई समझ गई, आपकी तरक्की हो गई है। मिठाइयां कब खिला रहे? अरे मिठाई क्या भाभी जी, अब तो हम दावत देंगे पूरे मोहल्ले को। आखिर पक्की नौकरी लगी है हमारी नियति की। भाभी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब तो मैं दावत के साथ साड़ी भी। ठीक है, साड़ी भी ले लीजिएगा, लेकिन फॉल बिडिंग किसी और से कराइएगा। बहुत काम कर लिया इन हाथों ने, आखिर इन्हें भी तो आराम मिलना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा भाभी, आपकी साड़ी और मिठाई पक्की? बिल्कुल, छोड़ूंगी नहीं मैं। May I come in, sir? Yes, come in. शर्मा, आपको पता है आपको इस जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। अरे भारती। हाँ? मेरी कंपनी ने इस दिवाली पर ये पहली बार काम का गिफ्ट दिया है, अब कल से नियति को ऑफिस के लिए इसी में खाना देना। अच्छा, खुद तो रोटी हमेशा अखबार में लपेट के ले जाते हो, और बेटी के लिए टिफिन बॉक्स, और तुम भी तो बस बेटियों के लिए ही सूट सिलवाती रहती हो, और खुद ये साड़ी। क्या कह रहे हो, बच्चे सुन लेंगे। भाभी, अरे कार की भाभी। क्या बन रहा है भाई, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। भाई साहब। हाँ जी। हमारे वो पूछ रहे थे कि आप पार्टी वार्टी कब दे रहे हो। अरे पार्टी भी हो जाएगी भाई, पहले हमारी नियति को तो आ जाने दीजिए। अरे दीदी तो आ गई। अरे नियति बेटा, क्या हुआ बताना। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी।